अरे तुझी है वो चली जुरात की ताई की मेरे बाल क्रास कर आए हो। अरे इतनी अब मैं मर्सम की सांद क्यों नहीं थी कुत्तो बगैर पाकिस्तानी कुत्तो तो तुम्हारे पाकिस्तान को क्यों गाली दे रहे हो पाकिस्तान को अच्छा इतनी चूती सो इतनी बड़ी बात है के बता दूं यस सर मार डाली सबको पापा अरे ये क्यों खड़ा है कि राजू से सर वो तूने क्या है पहले देखो कोई घूर चली गई हुई कि नहीं सर बुरी तूने क्यों है फिर क्यों खड़ा है इसे गिरा दूं से कैप्टन राजू यस सर इन सब कुत्तों को दरिया में फेंक दो सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं क्या बात है सर मेरे पार्टनर की जान आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडिया ने हमारे दो संस्थानों का अगवा किया है और इसके साथ पाकिस्तान के एटम प्रोग्राम के और डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो इंडिया के हाथों लग गई तो पाकिस्तान का एटम प्रोग्राम तबाह हो जाएगा हमें हर हाल में उन दो संस्थानों को बचाना होगा मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन हमें अपनी जानों का नजराना देकर उनको बचाना होगा इस मिशन के लिए मुझे सिर्फ एक कमांडर की जरूरत है सर मैं तैयार हूँ सर मैं भी आई टू सर अरुण तुम नहीं अरुण तुम नहीं जा सकते अरुण तुमने अभी अभी आर्मी ज्वाइन किए तुम अभी अभी फौज में आए हो अरुण ये बहुत मुश्किल काम है अरुण तुम नहीं जा सकते नहीं सर मैं कर सकता हूँ सर नहीं अरुण तुम नहीं कर सकते अरुण नहीं सर मैं कर सकता हूँ अरुण तुम जज्बात से काम ले रहे हो अरुण सर फोन जज्बात नहीं करना होना पड़ता है सर नहीं अरुण बात समझने की कोशिश करो तुम जिद क्यों करते हो अरुण इस मिशन के लिए कैप्टन शौकत ही बेहतर है सर मैं तैयार हूँ सर मुझे आपको धोखा समझ अरुण सर ये तुम क्या कर रहे हो इस काम के लिए बड़े बड़े वास्ते दे रहे हो अरुण अरुण तुम क्यों इतना जिद करते हो अरुण नहीं सर मैं कर सकता हूँ सर अरुण बात समझने की कोशिश करो अरुण तुम यहाँ भी अभी आर्मी जाएंगे ये बहुत मुश्किल काम है अरुण नहीं सर मैं कर सकता हूँ सर ठीक है अरुण जब तुम इतना जिद करते हो ठीक है तुम इस मिशन पर जाओगे कितना याद और शुक्र अरुण बेटा मैं आपको इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटे हैं लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है अरुण अरुण ये काम बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने आपको कहा आप अभी अभी पहुंच आए हो अभी आपने आर्मी ज्वाइन की और ये बहुत मुश्किल काम है अरुण अरुण मुझे तुम पर भरोसा है इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब हो क्या होगी बेटा जब मैं ऐसी काम पीछे चलता तो मेरा बाप मेरे लिए चंद अशार आज भाई अशार आपके लिए कहने जा रहा हूँ बेटा ए राहो तुम गवा रहना इसकी इस पास बानी पे ए राहो तुम गवा रहना इसकी इस पास बानी पे ये अपनी जान दे देगा लेके इस आप जाने पे आइए तो ध्यान देना कैप्टन राजू यस सर वो सैदान में क्या हुआ सर इसने कुछ नहीं कहा अच्छा बुरा दूसरे अरे ऊंचा देखो हम मानते हैं कि तुम दोनों बहुत बड़े साइंसदान हो और पाकिस्तान के डिफेंडर के बारे में काम कर पता है तुझे अगर आप सिपाही में से पाकिस्तान के डिफेंडर के बारे में बताए तो मैं तुझे मोटर बंगला सब कुछ दूंगा ठीक है कमांडर मैं तुम्हें इसकी डुबली दूंगा लेकिन इसके बदले तुम मेरे साथ अपनी माता जी का सौदा कर लोगे कुत्ता माता जी की बात क्यों करता कुत्ता मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तुमने मेरे को क्यों गाली दी है कुत्ता सबको क्यों मारा इसको पीछे पर बहुत जुलम के हमें बहुत मारा है इसमें आप कुछ लग रहे हैं
इस काम के बदले लोग मुझे 5 रुपए देंगे और तुम्हारा पाकिस्तान मुझे क्या देगा? इंडिया सतवा यहाँ पर से जाऊंगा, यहाँ पर उसकी मैं क्या करूंगा? उसकी मैं रूढ़ी पका कर खाऊंगा या सामने पका कर खाऊंगा? सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए तुमने अपने मुल्क की जगह जारी किए? 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ का मुकाबले हम भी दे गए। पाकिस्तान की सरकार जारी किए, ज्यादा पप की जरूरत नहीं, अभी मैं तुम्हें मदद चुकाऊंगा। नहीं तो मैं अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। बड़ा पाकिस्तानी बनता है, बड़ा पाकिस्तानी बनता है। दिमाग अब मिसाल देखो क्या चल पहन दे। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं सिर्फ 5 करोड़ रुपया मुझसे गद्दार करूंगा? नहीं, पाकिस्तान मिल जाए उसमें अभी जान भी दे दूंगा। डॉक्टर ये सबको मार डालो। मुझे तुम पर पकड़ कर निकल दिया। कपिल हारून अब नीचे आ। अरुण निकल दिया कि नहीं, बस निकल के निकल दिया कि नहीं, और जब कभी कश्मीर आजाद हुआ तो मेरे खबर पर आकर मुझे कह दे रहा कि अरुण तुझे मुबारक हो कश्मीर आजाद हो। अरुण तुम नहीं मर सकती, अरुण तुम नहीं मर सकती, मेरी भाई तुम नहीं मर सकती। नहीं क्या, पता नहीं क्या हो गया होगा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सर इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होकर आएगा। हाँ मौजूद है, सर आपका फूल। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मेरा बेटा इतना बहादुर नहीं है, वो कोई और होगा। जी मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता, मेरे कान हो कोई और होगा। क्या क्या हुआ सर? मेरा बेटा